सोमवार की रात को असम के सीएम और झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और 10 दिनों से चले आ रहे चंपाई के सस्पेंस का पर्दा गिरा दिया। सुबह एबीपी न्यूज से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने भी कह दिया कि 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। और अब हम नया अध्याय जो शुरू करने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में 30 तारीख को हम शामिल होने का निर्णय भी ले लिया। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद इस निर्णय को लिया। बाबूलाल मरांडी आपसे नाराज चल रहे हैं? नहीं, हमको कोई पता नहीं है क्या क्यों चीज का नाराज पड़ेगा। हेमंत सोरेन जब फरवरी में जेल गए तब उन्होंने चंपाई सोरेन को सीएम बनाया था। 5 महीने तक चंपाई सीएम रहे और जुलाई में उन्हें पद से हटा दिया गया। खुद चंपाई ये कह चुके हैं कि तभी से उन्होंने अलग होने का मन बना लिया था। बीजेपी और बाकी एनडीए के नेता चंपाई का वेलकम कर रहे हैं। अपमानित होने के बाद चंपाई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प है, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुने। उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे, उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे, कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई का जेएमएम छोड़ना बीजेपी के लिए बिग कैच माना जा रहा है। एक वक्त में चंपाई जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के करीबी माने जाते थे। चंपाई की पहचान कोल्हान टाइगर के तौर पर है। चंपाई सोरेन झारखंड के जिस कोल्हान रीजन से आते हैं वहाँ विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को एक ऐसा मजबूत साथी चाहिए था जिसके जरिए विधानसभा में फायदा उठाया जा सके और चंपाई पर बीजेपी की खोज खत्म हुई। 30 अगस्त को चंपाई अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.